हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी लोग सो गाइस आई वेलकम यू ऑल इन दिस पार्टिकुलर सेशन ऑफ योर कंप्यूटर साइंस मेरा नाम है सचिन अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अरोड़ा एजुकेटर के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो सबसे पहले आप लोग बताइए हाउ आर यू गाइस आप लोग सब बढ़िया हैं मस्त हैं और पढ़ाई भी जोरों शोरों से आपकी चल रही है नहीं एक बार फटाफट कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि मेरी वॉइस कि आप तक क्लियर आ रही है जस्ट मिनट लेट मी चेक वेरी गुड इवनिंग तो यहां पर मैक्सिम कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं सुरप्रीत रूपाली अमित मनीष कुमार नंदनी रजत मोनिका माहेश्वर सिंह आदित्य सोनिया कुमारी आर के राजपूत वेरी गुड श्वेता सुरप्रीत वेरी गुड यस आई एम ऑल्सो वेरी गुड सुरप्रीत वॉइस क्लियर है एवरी थिंग इज परफेक्ट थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स एक यहां पर क्वेश्चन में देख रहा था कि जो चर्चा में चल रहा था बूट सेक्टर वायरस को लेकर है ना तो मैं आप लोग को यह डाउट सबसे पहले क्लियर कर दू जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे थे देखिए पहला वायरस ये आपका रीपर है ना इज पहला एंटी वायरस आपका रीपर है लेकिन अगर हम पहले बूट सेक्टर की बात करें तो आंसर होगा ब्रेन द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इज ब्रेन और ऐसा वायरस जो इंडिया में आया जो इंडिया में सबसे पहले बना दैट इज कॉल्ड सी ब्रेन है ना जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया था तो दैट इज योर सी ब्रेन फाइन तो देखिए आज के सेशन पे हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे और विश्वास मानिए दोस्तों इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा देखिए कंप्यूटर हिस्ट्री एक हमेशा से ही काफी टफ चैप्टर के रूप में माना जाता है टफ होता तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर हिस्ट्री इतनी बड़ी है कि कैंडिडेट्स क्या पढ़े और क्या छोड़े इसमें वो लोग लो समझ नहीं पाते तो देखिए यहां पर हम आपको क्या बताएंगे जितने भी अभी तक जितने भी मैक्सिमम एग्जाम हुए हैं और उनमें कंप्यूटर हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो गॉड ग्रेस यहीं से पूछे गए हैं तो होपफुली आपके एग्जाम में भी 101 परसेंट क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे तो बस आपको ये सिलेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए कि हिस्ट्री में क्या पढ़े और क्या ना पढ़े और इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है कंप्यूटर का यह आप सब लोग जानते हैं क्योंकि इतिहास जो पढ़ता है वही इतिहास रचता भी है तो ऐसा ही मानना है कुछ एग्जामिनर्स का भी कि आप लोग को इतिहास के बारे में यानी कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ के बारे में पता होना चाहिए। तो बस बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे नहीं बनना है पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग धमाकेदार सेशन होने वाला है और आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा इस सेशन के बाद तो बिल्कुल फटाफट तरीके से शुरू करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है सर काइंडली कंटिन्यू दी क्लासेस ऑन डेली बेसिस सुरभि मिश्रा जी क्लासेस डेली चल रही हैं और एक नहीं दो दो शिफ्ट में चल रही हैं मॉर्निंग एट ओ क्लॉक चल रही है और इवनिंग में सेवन ओ क्लॉक चल रही है डेली बेसिस पे ठीक है तो अब इस तरीके की क्लासेस अगर आप कह रहे हो है ना तो ये भी कंप्लीट डेली चलेंगी इसमें जरा भी इफ एंड बट नहीं होगा चलिए सो विदाउट फर्दर ए डिस्कस करते लेकिन उससे पहले कुछ सेकेंड्स आपके और लेंगे देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि जितने भी वीडियोस के अलर्ट है आप अरोड़ा एजुकेटर फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अरोड़ा एजुकेटर चैनल इसको आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे और हमारे चैनल से आप कनेक्ट हो जाइए वहां पर मेरे द्वारा जितने भी वीडियोज होते हैं उन सबके लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए गाइस ये है कई बार कैंडिडेट ये डिमांड करते हैं कि सर कितना देख ले, कितना देखें कि एग्जाम हमारा क्लियर हो जाए तो मैं बार बार आपको कई बार मैंने बताया है और आज फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं उन कैंडिडेट्स के लिए जो आज पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ है ना तो हम क्या करते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए यूजफुल लिंक लगा देते हैं एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी आपको जितने भी इंपॉर्टेंट यूजफुल लिंक हैं वो सब टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे और आप जब पढ़ने बैठे तो इसी लिंक के अकॉर्डिंग आप एक एक करके पढ़ें जिससे कि आपका कुछ भी मिस नहीं होगा जैसे ही आप कोई भी वीडियो देखते हैं ये वीडियोस आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और एज वेल एज प्लेलिस्ट भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बनी हुई है जैसे ही आप कोई भी वीडियो देखें बस आपको क्या करना है नीचे अपना रिव्यू देना है अपना फीडबैक देना है लिखना है डन और आपको वो पार्टिकुलर वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर सजेशन में बताइएगा आगे बढ़ते हैं गाइज और आज शुरू करते हैं सेशन कंप्यूटर हिस्ट्री देखिए कंप्यूटर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है वो क्या है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहला क्वेश्चन कैंडिडेट के, के मन में आता है सर ईयर भी याद रखनी पड़ेगी क्या बिल्कुल नहीं ये बहुत पहले होता था जो ईयर पूछ लिया करते थे लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो हर एक बुक में अलग अलग ईयर गिवन है वेबसाइट में अलग गिवन है हर जगह अलग है तो अब ईयर बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता कि कंप्यूटर हिस्ट्री में फर्स्ट जनरेशन की ईयर बताइए या सेकेंड जनरेशन की ईयर बताइए एंड सो ऑन तो आपको क्या याद रखना है सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी याद रखनी है लेकिन फिर भी अगर आपके मन में डाउट है और आप ईयर याद करना चाहते हैं तो हमने परफेक्ट ईयर आपके सामने यहां पर रखी है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में कौन कौन सी ईयर है ये मेंशन है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए एक बार फटाफट से हम लोग जानते हैं वेरी गुड अब देखिए सबसे पहले अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो ये है वैक्यूम ट्यूब्स सेकेंड जनरेशन की बात करें तो आंसर है ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन की बात करें तो आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट ध्यान दीजिएगा आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट लेकिन कि इस्तेमाल किस जनरेशन में किया गया तो अगेन आपका आंसर क्या होगा थर्ड जनरेशन यानी एग्जाम में प्रोसेसर दिया हो या इंटीग्रेटेड सर्किट दिया हो दोनों ही केस में आंसर थर्ड जनरेशन होगा क्लियर है फोर्थ जनरेशन की बात कर लेते हैं बहुत ही सिंपल इसमें माइक्रोप्रोसेसर का यूज हुआ यानी प्रोसेसर के साइज को छोटा कर दिया गया मोबाइल फ्रेंडली बना दिया गया लैपटॉप फ्रेंडली बना दिया गया आपके आईपॉड्स आईपैड फ्रेंडली बना दिया गया तो इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ जनरेशन में यूज होने वाला दैट इज माइक्रोप्रोसेसर जिसको हम लोग एल आई एल एस आई वी बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर जिसको VLSI भी बोला जाता है दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या चिप्स प्लस सेमी कंडक्टर ज्यादातर एग्जाम में माइक्रो प्रोसेसर ही पूछा जाता है है ना? तो दैट इज योर फोर्थ जनरेशन आगे बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो यहां पर आपकी कई नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं जैसे पहला नाम है रोबोट कि रोबोट का इस्तेमाल किस जनरेशन में करते हैं फिफ्थ जनरेशन KBS, knowledge based system का इस्तेमाल किस जनरेशन में करते हैं फिफ्थ जनरेशन में या फिर क्वेश्चन पूछते हैं, मशीन लर्निंग का, किस का इस्तेमाल किसमें किया जाता है फिफ्थ जनरेशन में यानी फिफ्थ जनरेशन पूरे तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स KBS पर बेस्ड है यानी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कमा होके मशीन पे डिपेंडेंसी ज्यादा है फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो तो ये हो गई टेक्नोलॉजी वाइज सभी जनरेशन की बात क्या ये क्लियर हो गया आपको ठीक है तो जनरेशन का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इसमें कोई भी डाउट नहीं है फिर से एक बार फटाफट से वैक्यूम ट्रांजिस्टर प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोस रोबोट्स एंड केबीएस ये तो हो गई आपकी जनरेशन की बात आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है पंच कार्ड 2019 से मैक्सिमम एग्जाम में पंच कार्ड देखने को मिलता है और हो भी क्यों ना क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो चलिए जानते हैं पंच कार्ड से रिलेटेड कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में पंच कार्ड पहली लाइन ध्यान से सुनिए बहुत ही कंसंट्रेट होके पंच कार्ड वॉज यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग यानी पंच कार्ड का जो इस्तेमाल है वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है तो आंसर है पंच कार्ड ऑप्शन में लिखा होता है ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स इंटीग्रेटेड सर्किट पंच कार्ड या ऑल ऑफ दीज तो आंसर क्या होगा पंच कार्ड इज यूज फॉर दी डेटा की प्रोसेसिंग अगला पॉइंट पंच कार्ड इज आल्सो कॉल्ड एस पंच कार्ड को किस नाम से जाना जाता है तो आंसर इसे हॉलरिथ कार्ड भी कहते हैं या इसे आईबीएम कार्ड भी कहते हैं देखो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आईबीएम जो कंपनी है वो सबसे पुरानी कंपनी है टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर हम बात करें तो पंच कार्ड भी क्या है ये भी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है यानी स्टार्टिंग जब कंप्यूटर की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो रही थी 1950s का जो दौर था उस समय पंच कार्ड का यूज किया जा रहा था और उस समय आई कंपनी का ही बोलबाला था तो इसलिए पंच कार्ड को हॉलरिथ कार्ड और आई कार्ड के नाम से जाना जाता है अब एक क्वेश्चन उठता है कि इसको हॉल कार्ड क्यों कहते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक पर्सन का नाम है और बहुत ही पॉपुलर पर्सनोलिटी का नाम है दैट इज मिस्टर हरमन हॉलरिथ तो मिस्टर हरमन हॉलरिथ को क्रेडिट जाता है कार्ड बनाने का और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हु इज नोन एज द क्रिएटर हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ पंच कार्ड एंड आंसर इज मिस्टर हरमन हॉलरित आगे बढ़ते हैं पंच कार्ड्स वर एडॉप्टेड फॉर यूज इन दी कब इसका यूज एडॉप्ट किया गया एटीन देखिए अगर हम बात करें यहां पर तो इसका इस्तेमाल बहुत पहले शुरू हो गया था कहीं ना कहीं 1850 में ही इसको बनाने की जो सिलसिला था जो दौर था वो शुरू हो गया लेकिन 1890 में इसका सबसे पहले बार इसका, इसका इस्तेमाल किया गया सेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू सेंसिस आप शायद समझ रहे हैं यानी एक तरीके से जनगणना आप इसको बोलते हैं है ना या फिर आप इसको वोटिंग ट्रैक रिकॉर्ड भी बोलते हैं तो पंच कार्ड्स वर एडोप्टेड फॉर यूज इन दी एटीन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि census के लिए किस तरीके की डिवाइस का यूज होता है एंड द करेक्ट आंसर इज पंच कार्ड वेरी गुड स्टिल यूज टू रिकॉर्ड वोट्स और क्या इसका इस्तेमाल आज भी होता है तो एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर होगा क्या सर पंच कार्ड का यूज पहले तो होता था वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आज भी इसका इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल कई जगहों पर इसका इस्तेमाल 2012 से फिर से स्टार्ट हो चुका है टू रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड्स की गिनती को सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए एज अ स्टोरेज डिवाइस इसका आजकल हम लोग यूज करते हैं पहले इसका यूज किस लिए करते थे बिल्कुल सही डेटा प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन आजकल इसका यूज डेटा प्रोसेसिंग नहीं बल्कि स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और यहां पर वोट्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है क्लियर है आगे बढ़ते हैं ये दर्शन भी यहां पर आप कर लीजिए कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है वेरी गुड विक्रांत हेलो क्लियर है तो पंचकाल्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है फॉर दी पंचकाल्ड आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हम लोगों ने दो कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करी है पहले नंबर पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई और दूसरे नंबर पर अब तीसरे नंबर पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस जनरेशन में किस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछते हैं और कैसे पूछते हैं आपको एक कंप्यूटर का नाम लिख के दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कंप्यूटर किस जनरेशन को बिलोंग करता है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ या फिर आपको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है या इनमें से कौन सा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है एंड सो ऑन तो बस यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है है ना तो इसको जितने अच्छे से आप रट लेंगे उतने अच्छे से आपको याद हो जाएगा लेकिन रटने में देखो हमेशा से जो याद करने वाले कैंडिडेट्स हैं यानी जो समझने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको हमेशा रटने में प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं हम ऐसे लॉजिक से आपको समझा देंगे कि आज के बाद आप भूलेंगे नहीं कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में किन किन कंप्यूटर्स का यूज होता है बात करते हैं फटाफट फर्स्ट जनरेशन इन फर्स्ट जनरेशन इनिय फर्स सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो कि फर्स्ट जनरेशन में था वो इनएक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है फर्स्ट जनरेशन में दूसरा कंप्यूटर है एडवेक यानी ई से ही लग रहे हैं दोनों तो पहला हो गया इनएक दूसरा हो गया एडवैक तीसरा हो गया यूनिवैक यानी एक-एक करके जितने भी हैं है ना लास्ट में देखिए एसी एसी लिखा हुआ है है ना एसी एसी लिखा हुआ है ना और आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है एसी की है गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और बिना एसी के काम चलने वाला नहीं है तो प्रायोरिटी किसकी है एसी की इसका मतलब इनएक एडवैक यूनिवैक जिसमें भी ए सी आ जाए समझ जाइए फर्स्ट जनरेशन है इसके अलावा आईबीएम जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पुरानी कंपनी कौन सी है तो आपने कहा सर आई है है ना अभी डिस्कस हुआ था तो यानी आई के जितने कंप्यूटर्स हैं उनको हम फर्स्ट जनरेशन में रखते हैं लेकिन किंतु परंतु पर कहानी में ट्विस्ट है आईबीएम के कुछ कंप्यूटर्स तो फर्स्ट जनरेशन में आएंगे और कुछ कंप्यूटर्स सेकेंड में आएंगे तो कैसे याद रखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कौन से आएंगे और सेकेंड जनरेशन में कौन से जरा देखिएगा IBM 701, IBM 650, ये आपके किसके पार्ट हैं फर्स्ट जनरेशन के यानी अगर IBM के आगे जो डिजिट है वो तीन डिजिट हो तीन नंबर गिवेन हो तो आंसर होगा फर्स्ट जनरेशन और अगर ये नंबर तीन से ज्यादा हो जाए तो समझ लीजिए कि वो किस जनरेशन में आएगा सेकेंड जनरेशन में कैसे अभी देखते हैं हम लोग हमने यहां पर फाइव कंप्यूटर्स क्यों लिखा हुआ है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में भी फाइव कंप्यूटर्स होते हैं और सेकेंड जनरेशन में भी टोटल फाइव कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया गया है देख लेते हैं तो पहला है सेकेंड जनरेशन में आई बी तो वन सिक्स पर डिजिट्स हैं टोटल फोर किसमें आ गया सेकेंड में आईबीएम सेवन कितने डिजिट्स हैं फोर किसमें आ गया सेकेंड में सी डी इसमें भी कितने हैं फोर किस में आ गया सेकंड में और ये सीडीसी है है ना तो इसका नाम अलग से याद रखिएगा सी डीसी थ्री सिक्स जीरो फर्स्ट जनरेशन में टोटल फाइव कंप्यूटर्स हुए लेकिन सेकेंड जनरेशन में यहां पर फोर कंप्यूटर्स हुए ठीक तो फर्स्ट जनरेशन में कितने नाम याद रखने हैं फाइव और सेकेंड जनरेशन में कितने नाम याद रखने हैं फोर एक बार फिर से देखो जितने भी एसी ए सी लगे हुए हैं वो फर्स्ट जनरेशन आई के जितने कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्ट भी हैं और सेकेंड भी हैं डिफरेंस क्या है थ्री डिजिट वाला अगर होगा तो वो फर्स्ट और अगर थ्री से बढ़ गया तो वो सेकेंड इसके अलावा सी वाले जितने हैं वो आपके सेकेंड ठीक है आगे बढ़ते हैं इसमें कोई बट मत रखना कंफ्यूजन होगा तो जितना मैं बताऊं बिल्कुल एज इट इज इसको याद कर लेना अब थर्ड जनरेशन में मात्र और मात्र तीन कंप्यूटर्स हैं इनके नाम भी देख लीजिए हनीवेल 6000 सिक्स थाउजेंड यानी हनीवेल ये जो नाम है यूज होता है, ही बनाती है। तो हनीवेल आपका थर्ड जनरेशन है पीडीपी पर्सनल डेटा प्रोसेसर ये टर्म अगर आपको मिल जाए कहीं पर तो ये भी क्या है थर्ड जनरेशन और टीडीसी है ना अजीब से नाम लग रहे हैं ना पीडीपी टी डी सी तो इस तरीके के नाम आपके क्या हैं ये आपके थर्ड जनरेशन को इंडिकेट कर रहे हैं पी डी पी का मतलब है पर्सनल डेटा प्रोसेसर और टी डी सी का मतलब है टॉर्पीडो डेटा कंप्यूटर ठीक तो तीन नाम याद हो गए आपको कौन कौन से एक तो हनीवेल शहद पी डी पी और टी डीसी क्लियर है तो ये बात हो गई थर्ड जनरेशन की ये तीन नाम आपको याद हो गए होंगे तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं अब फोर्थ जनरेशन में क्या आएगा सोच के देखिए थोड़ा सा क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की बात होती है फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी है माइक्रो प्रोसेसर तो यहां पर यूज हो रहा है डीईसी स्टार वन थाउजेंड और इसके साथ साथ जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं है ना वो आपके सब फोर्थ जनरेशन में काउंट किए जाते हैं कौन से सुपर कंप्यूटर क्रे वन सुपर कंप्यूटर है क्रे एक्स एम पी ये भी आपका सुपर कंप्यूटर है और स्टार वन थाउजेंड और डी सी टेन ये भी आपके मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग कैपेबिलिटी रखते हैं और ये आपके हो गए फोर्थ जनरेशन के चार कंप्यूटर फिर से देखते हैं डी सी टेन स्टार यानी दिसंबर में स्टार लगा है ना दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है तो दिसंबर स्टार और सुपर कंप्यूटर इस तरीके से याद रख सकते हैं है ना दिसंबर दिसंबर स्टार सुपर दिसंबर, स्टार सुपर सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर ये फोर्थ जनरेशन हो गई आगे बढ़ते हैं फिफ्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन यानी वो जनरेशन जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और जिसका इस्तेमाल आज चल रहा है और आगे इसी में एडवांसमेंट होती है तो यानी वो जनरेशन जिसमें आगे एडवांसमेंट होगी और जिसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही क्लियर है यानी हम लोग लैपटॉप का यूज करते हैं पालमटॉप का यूज करते हैं डेस्क टॉप का यूज करते हैं तो ये सब आपके फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में काउंट होंगे तो डेस्कटॉप लैपटॉप नोटबुक अल्ट्राबुक क्रोमबुक ये पांच हो गए आपके फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स क्लियर है, है याद हो गया बहुत आसान था फर्स्ट जनरेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं बस यही वीडियो आप देख लीजिए आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही होंगे एग्जाम में है ना क्योंकि ये जो मैंने फ्रेम आउट किया है ये सभी जितने भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए और पूरी बुक्स की स्टडी करके इसको ड्राफ्ट किया है आप लोग के लिए तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं इन सब वीडियोस पे चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया जरा फटाफट रिकॉल करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया जनरेशन किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी पंच कार्ड पे कि पंच कार्ड का यूज क्या क्या है और फिर हम लोगों ने अब बात करी तीसरे नंबर पर कि किस कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है अब हम बात करेंगे क्योंकि हिस्ट्री की बात हो रही है हिस्ट्री का मतलब क्या है कि जैसे आ, किसने जी ओ आई कॉन्सेप्ट बनाया किसने ब्राउजर बनाया किसने लैपटॉप बनाया है ना तो इन सब पहलुओं पर एक एक करके बात करते हैं तो बताइएगा यह क्वेश्चन हाल ही में एक बैंक के एग्जाम में भी पूछा गया है हु इन्वेंटेड कंपनीज फर्स्ट जी यू आई अभी हाल ही में देखने को मिला था आईबीपीएस आर आरबी क्लर्क का एग्जाम उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये किस कंपनी के द्वारा सबसे पहले बनाया गया है ना तो देख लेते हैं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब द करेक्ट आंसर इज पारसी आपने नाम सुना होगा कभी कभी फोटो कॉपी जब आप करवाने जाते हैं है ना तो वहां पर कई बार फोटो कॉपी को हम लोग जीरोक्स भी बोल देते हैं जरा जीरोक्स करके देना है ना जबकि ये टर्म गलत है Xerox एक कंपनी का नाम है दैट इज पारसी जिसको अब स के नाम से जाना जाता है और इसको बनाने वाले हैं मिस्टर एल एन के तो ये जो मिस्टर आप लोग देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जीयूआई बेस्ड है या सीयूआई बेस्ड है तो ये GUI का लाने वाली कंपनी कौन सी है पारसी तो वहां पर एग्जाम में सही जवाब क्या था जीरोक्स पारसी वेरी गुड आगे देखो अब देखो ये जो जीरोक्स पारसी कंपनी है ये और किस किस फील्ड में है यानी इसने कौन कौन से बड़े काम किए हैं तो पहला तो आपको पता चल गया कि पहली जी इस कंपनी ने दी है दूसरा देखिए लेजर प्रिंटर जिसका जिसका आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ये लेजर प्रिंटर बनाने वाली भी कंपनी कौन सी है दिस ओनली जीरोक्स पारसी बिटमैप ग्राफिक्स का नाम आपने सुना होगा बिटमैप इमेजेस होती हैं इसका भी इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया किसने डेवलप करी जीरोक्स पारसी और GUI कॉन्सेप्ट तो आपने ही लिया तो इसका मतलब तीन चीजें आपको यहां पर याद रखनी है लेजर प्रिंटर बिटमैप और GUI। इन तीनों में से कुछ भी पूछ ले तो आंसर क्या होगा जीरोक्स कंपनी होगा या जीरोक्स पारसी होगा वेरी गुड अब आगे देखो पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है नाम बताइए पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है नाम बताइए पहला पर्सनल कंप्यूटर पीसी ना कहते हैं ना पीसी है आपके घर में या नहीं है तो पीसी का मतलब क्या है आप लोग सब जानते हैं दैट इज प्रियंका चोपड़ा नहीं दैट इज पर्सनल कंप्यूटर तो पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है दुनिया का और फिर है फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया इंडिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर चार क्वेश्चन बताइए अगर आपको आंसर पता है तो देखते हैं गाइस पहला डिजिटल कंप्यूटर इनएक है और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी आपका इनक है तो इसका मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए नेम फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इन और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। आगे बढ़ते हैं दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है आंसर है ऑल्टियर दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है आंसर है ऑल्टेयर याद हो गया फर्स्ट पीसी इन इंडिया लेकिन इंडिया का सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है तो आंसर है एच सी एल एट सी किस कंपनी ने बनाया पर्सनल कंप्यूटर इंडिया में तो वो कंपनी का नाम है एच सी एल है ना और वो प्रोडक्ट कौन सा है तो वो वर्जन है वो ब्रांड है आपकी एच सी एल एट सी क्लियर है वेरी गुड अब यहां पर जैसे सुरप्रीत जी कह रही है मार्क वन तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है है ना ये क्वेश्चन जैसे मार्क वन जो इन्होंने लिखा है वो दुनिया का सबसे साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर है ना तो दैट इज योर मार्क वन अगला देखिए इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है तो आंसर है टीडीसी ट्वेल्व और ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है इंडिया का सबसे पहला कंप्यूटर टीडीसी ट्वेल्व थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर होता है क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें समझनी पड़ती है क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा जैसे लिखा हुआ है बस अगर आपको याद रहा तो आप बिल्कुल सही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया अब देखो पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या अंतर है समझने की कोशिश करो इंडिया का पहला कंप्यूटर यानी ये कंपाइल किया गया है लेकिन दूसरा जो केस है उसमें क्या लिखा गया है फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में बना यानी सारे पार्ट इसके इंडिया में ही बने और इसका नाम क्या है तो दैट इज सिद्धार्थ ठीक है तो मेड इन इंडिया आए तो दैट इज सिद्धार्थ अगला हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो इसका मतलब चार्ल्स बैबेज नहीं होगा इसका मतलब है सुपर कंप्यूटर की यहां पर बात हो रही है फाउंडर ऑफ कंप्यूटर वैसे तो चार्ल्स बैबेज हैं लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में चार्ल्स बैबेज मिलेगा ही नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस केस में याद रखिएगा कि आंसर क्या होगा सुपर कंप्यूटर के फाउंडर और इंडिया के सुपर कंप्यूटर के फाउंडर का नाम क्या है तो आंसर है मिस्टर विजय भाटकर वीबी के नाम से याद रखिएगा बीबी नहीं है ना दैट इज वीबी मिस्टर विजय भाटकर जिनको विजय पांडूराम भाटकर के नाम से जाना जाता है इंडियन है नाम से ही आपको लग रहा होगा है ना विजय पांडुराम भाटकर वेरी गुड हाँ, कई बार इनको विजय भट्ट के नाम से भी इन शॉर्ट कह दिया जाता है है ना? जबकि फुल फॉर्म क्या है विजय पंडुरंग भाटकर यहां तक कोई डाउट आगे बढ़ते हैं। अब देखो इंडिया के तो विजय भाटकर है लेकिन वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर के फाउंडर कौन है सीमर क्रे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है क्रेवन और इसलिए उनके फाउंडर कौन है सीमर क्रे एस ई वाई एमओ यू आर सीमर क्रे सी आर ए वाय वेरी गुड आगे बढ़ते हैं अब फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया वो कंप्यूटर जो डेवलप किया गया देखो लैंग्वेज में फर्क देखना इंडिया का पहला कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया और अब हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया जो डेवलप किया गया इंडिया के द्वारा इंडियन पर्सनोलिटीज के द्वारा तो इस केस में आपका आंसर होगा टिफ्रैक लैंग्वेज बहुत अच्छे से याद रखिएगा वरना कंफ्यूजन होगा है ना और लैंग्वेज एग्जाम में यही मिलेगी ये भी 100 परसेंट डैम श्योर है तो फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया आंसर इज टिफ्रैक टिफ्रैक की फुल फॉर्म क्या है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैलकुलेटर तरीके से ये बनाया गया यानी ये कैलकुलेटर बनाने वाली ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है दैट इज टिप्रैक टाटा इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमैटिक कैलकुलेटर क्लियर है आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप पीसी अब देखो अगेन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है दुनिया का पहला ऐसा लैपटॉप जो एज अ पर्सनल कंप्यूटर भी ट्रीट किया जा रहा है तो पीसी भी है लैपटॉप भी है दुनिया का इसका नाम क्या है एंड द करेक्ट आंसर तोशिबा। कब बनाया गया अप्रैल 1985 में बनाया गया और यह क्वेश्चन आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पूछा गया था हाल ही के दिनों में वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप पीसी एंड द करेक्ट आंसर इज तो ईयर अप्रैल 1985. तो वहां पर दो क्वेश्चन बैक टू बैक आए थे आपके एग्जाम में जहां पर तोशीबा भी पूछा था और इसका ईयर भी पूछा था तो ईयर है अप्रैल 1985. ठीक है तो अलग अलग एग्जाम जितने भी एग्जाम हुए हैं हमने सबका यहां पर निचोड़ ले लिया चाहे कोई भी एग्जाम हो तो जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब है इसमें आगे देखिए फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बनाया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स ने बनाया सुनिएगा यह क्वेश्चन गलत करते हैं कैंडिडेट क्योंकि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट का भी नाम आपको मिलेगा आईबीएम का भी नाम आपको मिलेगा ऑप्शन में लेकिन आंसर क्या होगा जीएम होगा जनरल मोटर्स होगा बहुत ही बेहतरीन कंपनी है बहुत ही बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में काम करती है यह कंपनी है ना जनरल मोटर्स अब ये जनरल मोटर्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया लेकिन किसके लिए बनाया किसी कंप्यूटर के लिए बनाया होगा ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया होगा अपने लिए तो नहीं बनाया होगा तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स ने बनाया और ये बनाया आईबीएम कंपनी के लिए क्योंकि आईबीएम कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती ही नहीं थी तो उसने जीएम से कॉन्टेक्ट किया जनरल मोटर्स से कॉन्टेक्ट किया कि प्लीज हमारे लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दीजिए जनरल मोटर्स ने कहा तथास्तु बिल्कुल बना देंगे और आईबीएम ने किस कंप्यूटर के लिए बनाया तो आईबीएम उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर काम कर रहा था और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में काम करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो कि जनरल मोटर्स के द्वारा बनाया गया बात समझ में आ गई तो इस पूरी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स ने बनाया किसके लिए बनाया आईबीएम के लिए बनाया किस कंप्यूटर के लिए बनाया तो आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए बनाया आगे बढ़िए पहले ब्राउजर का नाम बताइए वेरी गुड नेम फर्स्ट ब्राउजर बताइए सोचिए जरा कि पहला ब्राउजर कौन सा होगा GUI होगा या सी होगा तो देखिए सबसे बढ़िया है पहला जो ब्राउजर आपका आया दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहा गया लेकिन याद रखिएगा यहां पर www में कोई भी स्पेस अवेलेबल नहीं है एक आप लोग वो भी देखते हैं जो यू आर एल में लिखा रहता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम क्या वो डब्ल्यू 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 और ये डब्ल्यू 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 एक ही है बिल्कुल नहीं जनाब उसमें उसकी फुल फॉर्म जब आप लिखते हैं यूआरएल के केस में तो वर्ल्ड वाइड वेब में स्पेस होती है लेकिन फर्स्ट ब्राउजर के केस में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें कोई भी स्पेस नहीं होगी यानी वर्ल्ड वाइड वेब को बिना स्पेस के अगर आप लिखेंगे तो ये बनेगा आपका फर्स्ट ब्राउजर तो ऑप्शन में बहुत ही ध्यान से लगाइएगा टिक जब इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं फर्स्ट ब्राउजर की तो आपको स्पेस के साथ भी मिलेगा ऑप्शन और बिना स्पेस में भी मिलेगा तो आंसर वो सही होगा जिसमें स्पेस नहीं होगी वेरी गुड पहला जी ब्राउजर कौन सा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ब्राउजर कौन सा है तो आंसर है मोसैक पहला नॉर्मल ब्राउजर कौन सा है डब्ल्यू और पहला जी बेस्ड कौन सा है तो आंसर है मोसैक वेरी गुड अगला देखो फर्स्ट सर्च इंजन सर्च इंजन आप लोग जैसे कि जानते हैं गूगल सर्च इंजन है याहू भी आपका सर्च इंजन है बेड़ू भी आपका सर्च इंजन है है ना तो ऐसे कई सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं रेडिफ का भी सर्च इंजन अवेलेबल है है ना तो अब क्वेश्चन है कि पहला सर्च इंजन कौन सा है आंसर है आर्ची द करेक्ट आंसर इज आर्ची ठीक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला देखिए ये चारों में कोई डाउट याद हो गए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल मोटर्स पहला ब्राउजर डब्ल्यू पहला जीयूआई ब्राउजर मोसैक और फर्स्ट सर्च इंजन रची अगला देखिए बताइए फर्स्ट नेटवर्क पहला नेटवर्क का नाम बताइए पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन का नाम बताइए पहले वायरस का नाम बताइए और पहले बूट सेक्टर वायरस का नाम बताइए है ना तो अभी कंफ्यूजन भी था इसको लेकर सब कुछ रिजोल्व होगा बिल्कुल सही बहुत ही सिंपल है पहला नेटवर्क दैट इज कॉल्ड अर्पानेट डरपा के द्वारा बनाया गया अर्पानेट दूसरा फर्स्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन पहला दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन है ना ये कौन सा है तो आंसर है एच टी सी ड्रीम एच टीसी ड्रीम ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन एच टीसी ड्रीम कंपनी का भी नाम है ना और इसी के नाम से आपका स्मार्टफोन बनाया गया फर्स्ट वायरस दैट इज क्रीपर फर्स्ट वायरस दुनिया का सबसे पहला वायरस दैट इज क्रीपर पहला बूट सेक्टर वायरस दैट इज ब्रेन और इंडिया का अगर बात करें इंडिया का सबसे पहला वायरस तो दैट इज सी ब्रेन ट इज सी ब्रेन यानी ब्रेन से पहले सी लगा दीजिएगा तो वह आपका इंडिया का बन गया राइट यहां तक कोई डाउट कोई डाउट नहीं बहुत बढ़िया आगे बढ़िए फर्स्ट एंटीवायरस दुनिया का पहला एंटीवायरस दुनिया की पहली वेबसाइट दुनिया का पहला मोबाइल फोन और दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बताइए दुनिया का पहला एंटीवायरस दैट इज रीपर वायरस क्या था क्रीपर और इसी वायरस को किल करने के लिए क्या बना रीपर पहली वेबसाइट दुनिया की पहली वेबसाइट दैट इज सर्ट सीईआरएन -E जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च क्लियर है पहला मोबाइल फोन किसने बनाया तो आंसर है मिस्टर मार्टिन कूपर आंसर है मिस्टर मार्टिन कूपर ठीक और ये कंपनी कौन सी है आंसर है मोटोरोला कंपनी का नाम पूछें तो मोटोरोला होगा और अगर पर्सन का नाम पूछें तो आंसर होगा फाउंडर है ना फाउंडर ऑफ मोबाइल फोन पूछें तो आंसर होगा मार्टिन कूपर दोनों एम से ही है और मोबाइल भी एम से ही है यानी एम 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 थ्री याद रखिए <laughs> अब तो याद होगा मोबाइल फोन भी एम से मोटोरोला भी एम से और मार्टिन कूपर भी M से तो ये मात्र एक सहयोग कहा जाएगा वेरी गुड फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर पहला पर्सनल कंप्यूटर दैट इज ऑल्टियर है ना पहले पर्सनल कंप्यूटर का नाम ऑल्टियर अगला देखिए फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर अभी हम लोग ने देखा भी था, है ना पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर फिर से एक बार रिवाइज भी हो रहा है ये क्वेश्चन पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर बिल्कुल सही दैट इज सिद्धार्थ फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वेरी गुड दैट इज इनिय फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक भी और फर्स्ट डिजिटल भी है ना तो ये दोबारा से रिपीट हो गए कोई बात नहीं रिवाइज हो गया होगा फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर सिद्धार्थ फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर इनएक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनएक फर्स्ट वर्ल्ड लैपटॉप दुनिया का पहला लैपटॉप तो दुनिया का पहला लैपटॉप तो फर्स्ट आईएसपी पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये नया आया है यहां पर फर्स्ट आईएसपी इन इंडिया आंसर है वीएसएनएल विदेश विदेश संचार निगम लिमिटेड, विदेश संचार निगम निगम लिमिटेड लिमिटेड जिसको टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है दैट इज ऑल्सो नोन एज टाटा कम्युनिकेशन यानी वीएसएनएल का नाम बदलकर अब टीसी यानी टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया है क्लियर है यहां तक वेरी गुड आगे देखो फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन पहली कैलकुलेटिंग मशीन का नाम बताइए पहली हार्ड डिस्क का नाम बताइए और पहले प्रोसेसर का नाम बताइए वेरी गुड चलिए देखते हैं आंसर पहली कैलकुलेटिंग मशीन दैट इज एबाकस है ना बहुत ही पॉपुलर रही है पहली कैलकुलेटिंग मशीन दैट इज एबाकस फर्स्ट हार्ड डिस्क किसने बनाई तो आंसर है आईबीएम के द्वारा फर्स्ट हार्ड डिस्क किसने बनाई आईबीएम के द्वारा लेकिन आईबीएम क्या नहीं बना सकती है आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम के फील्ड में आईबीएम नहीं है तो इसलिए आईबीएम ने ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बनवाया जनरल मोटर्स से बनवाया किस कंप्यूटर के लिए बनवाया मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के लिए बनवाया क्लियर है अगला देखो फर्स्ट प्रोसेसर का नाम बताइए नेम फर्स्ट प्रोसेसर आंसर है इंटेल 4004 कई बार हम प्रीवियस सेशन में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं है ना तो जो प्रोसेसर के फील्ड में सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है इंटेल है और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है है ना यहां पर माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात करें तो आंसर होगा इंटेल 4004 फोर नेक्स्ट फर्स्ट रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री पहले रोबोट का नाम बताइए जिसने कुछ समय पहले ही किसी कंट्री की सिटीजनशिप यानी नागरिकता ली है तो बिल्कुल आप लोग नाम समझ रहे होंगे दैट पर्टिकुलर रोबोट इज कॉल्ड सोफिया क्या नाम है सोफिया और ये सोफिया कहां की है तो उस कंट्री का नाम है सऊदी अरेबियन सिटीजन यानी सऊदी अरब की सिटीजनशिप सोफिया को मिल गई है और ये कारनामा कब हुआ तो याद रखिएगा अक्टूबर 2017 में हुआ अक्टूबर 2017 में सोफिया को नागरिकता मिल गई कहां की सऊदी अरेबिया की अक्टूबर 2017 में याद रहेगा वेरी गुड अब कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग है ना अभी आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए लेकिन पहले फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया बताइए आप अभी तक हम लोग ने इसको लाइन बाई लाइन पढ़ा अब क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं कोई कंफ्यूजन तो नहीं फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया इज बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ। अब टेस्ट करिएगा अपनी नॉलेज सिद्धार्थ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए यहां पर फर्स्ट कंप्यूटर दैट इज मेड इन इंडिया पहला कंप्यूटर जो इंडिया में बनाया गया मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत Manufactured by इलेक्ट्रॉनिक्स Corporation ऑफ इंडिया इस सिद्धार्थ को किसने बनाया तो इलेक्ट्रॉनिकेशन ऑफ इंडिया ऑफ बेंगलोर ये जो सिद्धार्थ था जो मेड इन मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत बनाया गया ये मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बेंगलोर यानी बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में इसको लगाया गया कहा इंस्टॉल किया गया तो बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में इसको इंस्टॉल किया गया अगला देखो इंस्टॉल्ड ऑन ऑगस्ट 1986। देखिए सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ने के लिए ज्यादा माइंड पर प्रेशर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है बस सुनिए आराम से इसको मैक्सिमम टाइम रीड करिए है ना ऐसा क्यों क्योंकि आपको ऑप्शन के फॉर्म में एग्जाम में मिलेगा है ना तो अगर आपने पढ़ रखा होगा जरा सा भी तो क्वेश्चन के आंसर आप सही करेंगे ना ऐसा मेरा यकीन है तो बस पढ़ा होना चाहिए चाहे सिर्फ एक बार ही क्यों ना पढ़ा हो तो इंस्टॉल्ड ऑन ऑगस्ट 16 नाइनटीन एटी सिक्स अगला देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ क्या नाम है वेरी गुड बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज ट्रैक एंड करेक्ट आंसर इज ट्रैक नेक्स्ट ट्रफेक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ट्रफेक की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर अभी हम लोगों ने देखा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर फर्स्ट कंप्यूटर दैट इज डेवलप्ड इन इंडिया पहला कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप किया गया डेवलप्ड एड ट्रैक रिसर्च इन मुंबई यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन मुंबई में इसको डेवलप किया गया ट्वेंटी टू उन्नीस सौ साठ में इसको कमीशन किया गया एंड यूज इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव और सबसे पहला इसका इस्तेमाल उन्नीस सौ पैंसठ में किया गया वैसे देखो ईयर आने की उम्मीद बहुत कम है है ना और अगर ईयर का कोई क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन के लिए जरूरी नहीं कि आप सारे ईयर याद रखें है ना तो ईयर वाले को आप स्किप भी कर सकते हैं तो अगर आपको आता ही ईयर वाला देन इट इज वेल एंड गुड और नहीं आता तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैनिक होने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है नेक्स्ट देखिएगा अब देखो ट्रफेक के यहां पे दर्शन भी आप लोग कर लीजिए है ना तो यहां पर आप देख सकते हैं गांधी परिवार जी द्वारा यहां पर इसको इनोग्रेट किया गया है ना सबसे पहले तो दैट इज योर अगला देखिएगा नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा है एंड द करेक्ट आंसर इज अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पहला डिजिटल कंप्यूटर कहें या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहें आंसर क्या होगा इनक होगा नेक्स्ट इनियक के दर्शन भी यहां पर आप लोग कर सकते हैं वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं इनिया है ना जो कि आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर है और पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इसके बारे में भी छोटी छोटी मगर मोटी बातें डिस्कस कर लेते हैं तो इनियक की फुल फॉर्म क्या है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर दैट इज दुल ऑफ वेरी गुड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल परपज डिजिटल कंप्यूटर ये इलेक्ट्रॉनिक भी है और डिजिटल कंप्यूटर भी है नेक्स्ट फाउंडर इसके कौन है तो इनएक के फाउंडर बहुत ही पॉपुलर नाम और नाम आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा दैट इज मिस्टर जॉन भाई अपने जॉन एंड प्रेस्पर एकट है ना तो जॉन एंड प्रेस्पर के द्वारा ये बनाया गया जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एकट ठीक तो जॉनी जॉनी यस पापा वही है ये तो जॉन मॉचली एंड जे प्रेस्पर एकट ईयर कौन सा था तो ईयर है 1946 और इसका ईयर जरूर याद रखिएगा यानी डिजिटल कंप्यूटर कब आया तो एक फोर लगा और एक सिक्सर लगा है ना तब आ गया ये

अट्ठारह हजार वैक्यूम ट्यूब्स की मदद से इनियक को बनाया गया बड़ी खुशी की बात है और इसका वेट कितना था तो आंसर है पचास टन का भारी भरकम कंप्यूटर था फिफ्टी टन टन टना टन टन ठीक याद रहेगा फिफ्टी टन चलिए भास्कर शर्मा वेरी गुड इवनिंग स्वागत है लेट हो गए भास्कर चलो आगे देखो म द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पज कंप्यूटर अब ये इलेक्ट्रिकल भी नहीं है अब यह डिजिटल भी नहीं है अब यह पहला मैकेगा एनालिटिकल इंजन जिसके लिए हम लोग चार्ल्स बैबेज को कहते हैं ना चार्ल्स बैबे फाउंडर ऑफ कंप्यूटर बचपन में पढ़ा करते थे है ना तो चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था उन्होंने एनालिटिकल इंजन ही तो बनाया था इसलिए उनको फाउंडर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है गेटिंग तो इसका मतलब पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है एनालिटिकल इंजन और एनालिटिकल इंजन किसने बनाया तो आंसर है चार्ल्स बैबेज अपने चार्ल्स भाई है ना चार्ल्स चाचा चार्ल्स बैबेज अंकल क्लियर है अगला क्वेश्चन देखिए तो एनालिटिकल इंजन के बिल्कुल हाथ जोड़ के एक बार दर्शन भी कर लीजिए है ना तो इसी की वजह से आप आज कंप्यूटर का इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो दैट इज एनालिटिकल इंजन इन फ्रंट ऑफ यू राइट आगे बढ़ते हैं एनालिटिकल इंजन के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना शक्तिमान नहीं हूं लेकिन फिर भी बातें जरूर याद रखिएगा एनालिटिकल इंजन वॉज अ मैकेनिकल जनरल परपज कंप्यूटर बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा कि ये मैकेनिकल कंप्यूटर है आपका एनालिटिकल इंजन नेक्स्ट देखिए आ भी गया तो चार्ल्स चाचा के द्वारा डिजाइन किया गया मिस्टर चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया दैट इज योर एनालिटिकल इंजन नेक्स्ट किस ईयर में आया तो बहुत साल वन सपोन अ टाइम है ना बहुत साल पहले आया 1837 में एनालिटिकल इंजन इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक सेकेंड

और इसके बाद फिर से हम लोग कुछ चीजों पर डिस्कस करेंगे तो थके तो नहीं है ना माइंड ग्रास्प ग्रास कर पा रहा है अभी तक आपकी चीजें वेरी गुड आगे बढ़े रेडी चलो अब कुछ और बेहतरीन चीजों के बारे में देखते हैं और ये चीजें भी एग्जाम में आपकी पूछी गई हैं। पहला कंप्यूटर गेम दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर गेम कौन सा है नाम बताइए आंसर है स्पेस न... वॉर आंसर है स्पेस स्पेस वॉर वॉर अब ये ये कैसे खेला गया तो देखो नाम से ही पता चल रहा होगा ये स्पेस शिप के द्वारा खेला गया था है ना और स्पेस पे जाके लड़ाई करनी थी और जो बच गया वहां पर लड़ाई करते करते वो जीत गया तो, तो दैट इज स्पेस वॉर कहां खेला गया स्पेसशिप में डेवलप कब किया गया 1962 सिक्सटी टू यार आपकी श्रद्धा याद कर पाए तो वेल एंड गुड नहीं याद कर पाए तो छोड़ दीजिए रैन ऑन किस कंप्यूटर ये इंपॉर्टेंट है कि ये पहला जो सुपर कंप्यूटर सुपर गेम है सॉरी जिसका नाम है स्पेस वॉर ये किस कंप्यूटर पर चलाया गया तो उस कंप्यूटर का नाम है पीडीपी वन कंप्यूटर का नाम क्या है पीडीपी वन आगे देखो किसने डेवलप किया तो अपने रसल भाई ने डेवलप किया है ना किसने डेवलप किया स्टीव रसल भाई ने डेवलप किया फर्स्ट कंप्यूटर गेम है ना स्पेस वॉर एस से स्पेस वॉर और एस से स्पेस वॉर और एस से स्टीव रसल स्टीव जॉब्स नहीं है ना स्टीव जॉब्स तो एप्पल के मालिक ये हैं स्टीव रसल आगे देखो टाइप पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और ये जो बनाया गया देखिए आपने पढ़ा था नेटवर्किंग में कि एक सर्किट स्विच होता है और एक पैकेट स्विच होता है तो ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर बेस्ड है तो टाइप क्या है इंटरनेट बन चुका था लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था लेकिन हाँ इतना था कि इंटरनेट से काम चल सकता था और इंटरनेट पर गेम खेले जा सकते थे उस समय भी तो कितनी बड़ी बात है कि 1960 में इंटरनेट पर गेम अवेलेबल था दैट इज स्पेस वॉर के पेट आगे देखो और अगर फर्स्ट वीडियो गेम पूछा जाए अरे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों ने बताया भी नहीं तो जरा मैं खिसक लेता हूं यहां से इधर चला मैं उधर चला जाने कहा चला चलो बता दिया करिए सर छुप रहा है आप मैं कमेंट तो देख रहा था आप लोगों के ठीक है आप दिख रहा होगा तो फर्स्ट कंप्यूटर गेम स्पेस फॉर डेवलप्डी टू रैन ऑन पीडीपी वन कंप्यूटर डेवलप्ड बाय स्टीव रसल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क पर बेस्ड लेकिन पहला वीडियो गेम द वेरी फर्स्ट वीडियो गेम इज अटारी है ना और कब आया 1973 में आया, यानी कम से कम 10 साल लग गए वीडियो गेम को बनाने में है ना आपका नॉर्मल फर्स्ट कंप्यूटर गेम तो 1962 में आ गया था और 10 साल लग गए आपके पहले वीडियो गेम को बनाने के लिए क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट नेटवर्क है ना ये तो हम सब लोग जानते हैं पहला नेटवर्क ठीक है बस खत्म होने वाला है लास्ट में है हम लोग इसके बाद एक स्लाइड और है देखो फटाफट फर्स्ट नेटवर्क पहला नेटवर्क कौन सा है अर्पानेट फर्स्ट नेटवर्क इज अर्पानेट स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क अर्पानेट फॉर्म 1966, यानी किस ईयर में बना 1966 में बना ये तो आप सब लोग जानते हैं आसान है और ये किस टाइप के पैकेट पर है अगेन ये भी आपके पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का ही पार्ट है ये भी किसका पार्ट है अगेन ये भी आपके पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का ही पार्ट है राइट right? तो ये आपके कुछ पार्ट हो गए अब हम सोच रहे हैं कि इसको यहीं पर एंड कर दे है ना और फिर जो नेक्स्ट जो हमारा रिमेनिंग रह गया है उसके लिए हम पार्ट टू लेकर आएंगे कल है ना और इसमें कंप्यूटर हिस्ट्री एक बार फिर से बचे हुए पार्ट्स को डिस्कस कर लेंगे क्लियर है तो अभी थोड़ा सा और बचा हुआ था है ना तो इसको हम कल कवर करेंगे आराम से तो पहले आप इसको फिर से रिवाइज करिएगा प्रॉपर नोट्स बनाइएगा है ना और फिर से हम लोग कल आकर कंप्यूटर हिस्ट्री के ही पार्ट 2 पर बात करेंगे तो आज ये रहा आपका पार्ट 1 कैसा लगा समझ में आया जरूर बताइएगा कमेंट करके डाउट हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा है ना डाउट आपका रिजोल्व कर देंगे और अगर आप नए थे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिएगा कि अरोड़ा एजुकेटर पर सर पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आके जुड़ जाओ राइट right? चल कोई बात नहीं है ना बाकी अब कल पढ़ाएंगे आराम से काफी और चीजें हैं बताने के लिए तो डिटेल में बताएंगे कल दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच गाइस बाय बाय एंड टेक केयर ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए मस्त रहिए स्वस्थ रहिए कीप इट अप जय हिंद